सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। आप लोग अपने घर से यहाँ तक पैदल आए हो क्या? नहीं, आपकी आवाज़ में बड़ी थकान है। बोले भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। महिलाओं की आवाज़ बहुत अच्छी है। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। पुरुषों की भी अच्छी है। बोले विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी चाचा गुरुदेव श्री सनमति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। क्या बात है, आपको आता है? मेरी भावना आती देखो इन्हें, आपको नहीं आती है? अच्छा, कल शाम ही सुना था, चलिए उसी पर और चर्चा करते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे। तो कल चर्चा हुई थी कि कोयल से गुण ग्रहण करो, कुत्ते से गुण ग्रहण करो, घोड़े से गुण ग्रहण करो, गधा से गुण ग्रहण करो, क्योंकि गुण सोना है। गुण क्या है? सोना है। यदि कीचड़ में भी पड़ा हो तो छोड़ा नहीं जाता, उठा लिया जाता है। कीचड़ में जाकर भी गुण कभी अशुद्ध, सोना कभी अशुद्ध नहीं होता। ऐसे गुण किसी के पास भी हो सकता है, किसी जाति का हो, पशु हो, कोई भी हो, गुण कहीं भी हो सकता है। और यदि हमें मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कि अरे वो तो कोयल है, अच्छा वो तो त्रियंश है, उससे क्या गुण लेना? नहीं, यदि उसके पास गुण है तो ले लो। कोयल से कल बताया था कि जैसे कोयल मीठा बोलती है, ऐसे हमें भी मीठा बोलना चाहिए। जैसे उसकी प्रिय वाणी होती है, ऐसे हमें भी प्रिय वाणी बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलना चाहिए। उसके अंदर एक गुण और है, कहो तो बता दो। आप बताओ ना, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा आप बता दो। कहना हम कहाँ बताएंगे माता जी, फुर्सत कहाँ है गुण देखने की दूसरों में। दूसरा गुण है कि कोयल चाहे जंगल में हो, शहर में हो, बाग में हो, जब वो बोलती है, जब वो कूकती है, तो ये सोचकर नहीं कूकती है कि कोई सुन रहा कि नहीं सुन रहा। मेरी मीठी आवाज़ सुनने वाला कोई भीड़ में है, भीड़ आई कि नहीं आई? भीड़ आई हो तो बोलूं, और नहीं आई हो तो नहीं बोलूं। कोयल कभी ये सोचती नहीं है, उसके मन में भाव आते हैं, बोलना शुरू कर देती। वो चाहे जंगल हो और वो चाहे बाग हो या शहर हो, जहाँ उसका मन करता है वहाँ बोलना शुरू कर देती है। यदि मान लो आपसे कहा जाए भजन सुनाइए, भीड़ ही नहीं है, किसको सुनाए, लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं, आप कब बोलना चाहते हो? जब भीड़ हो तब बोलना चाहते हो, और नहीं हो तो नहीं बोलना चाहते हो। बाई चांस भीड़ है, बहुत है, और आपने भजन तैयार करके लाए और आपका नंबर नहीं आ पाया, अब क्या होगा? गुस्सा आएगा? हैं, अच्छा चलो, नहीं बोलने मिला तो गुस्सा आया, और बोलने मिल गया तो एक में राग होगा और एक में द्वेष होगा। हमारा बोलना राग और द्वेष का कारण बनता है, चाहे वो भजन क्यों ना हो। भजन होता है भगवान की भक्ति के लिए, भजन होता है आत्मा में वैराग्य बढ़ाने के लिए, भजन होता है भगवान के गुणों को पढ़ने के लिए। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनाते हैं। कोई भजन ना मिले तो तुमसे लागी लगन शुरू कर देते हैं। वो भजन हमारा हमेशा बाहर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ नहीं जाता है।
चाहे तुम्हारी पूजा हो, पूजा भी बाहर की तरफ ही जाती है, अंदर घुस जाए ना तो आनंद आ जाए, अंदर घुसती नहीं है, इसलिए पूजा करने के बाद भी आनंद नहीं आता है। जिस क्रिया को करने के बाद में आनंद ना आए, समझना वो क्रिया आपने ऊपर से करी है, अंदर से नहीं करी। आप मंदिर भी गए, आपने पूजा भी करी, आपने नमस्कार भी किया, आपने सारे काम किए, लेकिन एक क्षण के लिए भी आपके घर की जो टेंशन थी, घर के जो विचार थे, एक क्षण के लिए भी मंदिर में जाके छूटे नहीं। यदि मंदिर में जाके घर के विचार नहीं छूटे तो आपने मंदिर से क्या लिया? मंदिर में जाके क्या किया आपने? मंदिर होता है अपनी आत्मा के भावों के परिवर्तन के लिए, मंदिर होता है विचारों को बदलने के लिए, मंदिर होता है मन को शांत करने के लिए। मन में जो लहरें उठ रही हैं, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ की, उसको शांत करने के लिए। और मंदिर में जाके विचार शांत नहीं हुए, मंदिर में जाके राग द्वेष खत्म नहीं हुआ, मंदिर में जाकर के आत्मा को शांति नहीं मिली, तो तुमने वहां से कुछ लिया ही नहीं। फिर तो मैंने एक उदाहरण बताया था बहुत पहले कि एक चींटी बनिया की दुकान में रहती थी और एक चींटी नमक के पहाड़ में रहती थी। दोनों आपस में बहनें थीं। अब रिश्तेदारी होती है तो एक दूसरे के यहाँ जाना भी पड़ता है, तो बनिया वाली चींटी अपनी बहन नमक के पहाड़ वाली चींटी से मिलने गई। उसने देखा, अरे मैं तो तेरे यहाँ पहली बार आई हूँ, अरे मैं क्या देख रही हूँ, तू नमक खाती है, हमारा भोजन तो मीठा है मीठा। तो उसने पूछा, ये मीठा क्या होता है? बोले, अरे तूने कभी नहीं खाया? बोले, नहीं मैंने कभी भी नहीं खाया। तो चल मेरे साथ, मैं खिलाऊंगी तुझे। उसे अपने दुकान में ले गई। चींटी भी उस दुकान को अपना कहती है, बनिया भी तो उस दुकान को अपना कहता है, वहाँ मच्छर रहता है वो भी अपना कहता है, चूहा रहता है। यदि किसी चूहा से पूछा जाए तेरी दुकान कौन सी, तो क्या कहेगा? ये मेरी दुकान। किसी चींटी से पूछा जाए कि भाई तेरी दुकान कौन सी, ये है मेरी दुकान। और जिस जो दुकान पे बैठ के बिक्री कर रहा है उससे पूछा जाए कि तेरी दुकान कौन सी, किसकी दुकान है, किराए की है, काम कर रहे हो, मालिक नहीं हो, वर्तमान में देखा जाए तो भी मालिक नहीं हो, सारी चीज सरकार की है, तुम्हें तो रहने को दी गई है, जब चाहे ले सकते हो, अधिकार है उसका। एक तो ऐसे तुम्हारी नहीं है, दूसरी तरफ से पता नहीं ये शरीर कब छूट जाए, कब नमो से धारम होना पड़े तो वो दुकान छूट जाए। हम चाहते हुए भी हमारी नहीं है, लेकिन सारे जिंदगी मेरी 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 करते रहते हैं। अब वो वहाँ पहुँची, उसने उसको चीनी खिलाई, तो उसने चीनी खाई। पूछा, कैसी लगी चीनी? बोले, तेरी चीनी तो हमारे नमक जैसी है। बोले, हो ही नहीं सकती है। उसने कहा, कुछ गड़बड़ है। बोले, जरा तू अपना मुँह खोल। उसने मुंह खोला तो वो अपने वहाँ से नमक की डली अपने मुंह के एक कोने में रख के लाई थी कि यदि इसका मीठा अच्छा नहीं लगा तो मैं अपने नमक से पेट तो भर लूँगी। बोले, ऐसा कर, तो नमक की डली बाहर निकाल। उसने नमक की डली बाहर निकाली, अब चीनी खा। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी बहुत आई, नहीं आई, अभी नहीं आई। मंदिर में आते हैं, संसार के विचार अपने दिमाग में रख के लाते हैं, इसीलिए मंदिर का आनंद नहीं मिल पाता है। मंदिर में आओ तो संसार को त्याग करके आओ। किसके पास आ रहे हो? जिसने संसार छोड़ दिया है उसके पास आ रहे हो। जो मोक्ष में चले गए हैं उनके पास आ रहे हो। तुम लक्ष्य तो देखो किसके पास जा रहे हो, और जिसके पास जा रहे हो संसार लेके जा रहे हो, तो वहां का स्वाद कैसे आएगा, वहां का आनंद कैसे आएगा? आपको ये कैसे पता चलेगा कि भगवान का आनंद क्या है, भगवान ने संसार क्यों छोड़ा है? यदि आपको एक घंटे के लिए में भी 5 मिनट का भी आनंद मिल गया कि भगवान ने संसार क्यों छोड़ा है, ऐसा क्या आनंद है संसार छोड़ने में जो भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया? हम ये पाने के लिए मंदिर में आ रहे हैं, और मंदिर में आके भी हमने संसार को नहीं छोड़ा, तो हम मंदिर आना बस एक औपचारिकता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो लक्ष्य कौन है मंदिर आने का? जहाजपुर क्यों आए?
थोड़ा बेच बढ़ाना। अरे बोलो ना। अरे नहीं, वहाँ बहुत बढ़िया जहाज मंदिर बन रहा है। नहीं, अच्छा तो वो वहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। नहीं तो अच्छा वहाँ माता जी हैं। नहीं हाँ, उसमें 1% मान लो, चलो थोड़ा कम मान लो, भगवान जी का ज़्यादा। तो वहाँ भगवान जी बहुत अच्छे हैं, इसलिए जहाजपुर जाना है। अब भगवान जी के दर्शन किए आपने, आपने क्या देखा भगवान जी में? उनकी मनोहर मुद्रा देखी। अरे नाम तिहारा तारणिहारा, कब तेरा दर्शन होगा। आगे तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर सुंदरी होगा नाम। भगवान को देख के ऐसा लगा कि नहीं लगा आपको? लगा ना। तो आपने भगवान की मनोहारी मुद्रा देखी। अब दो चीजें हैं इसमें, एक तो है मनोहारी, नाक बहुत अच्छी है, उंगली बहुत अच्छी है, आंखें भी बहुत सुंदर हैं, अरे गाल भी बहुत सुंदर हैं, ओहो भगवान के पांव भी बहुत सुंदर हैं। आपने यही देखा ना? अरे बोलिए ना, यही देखा ना। अब बताओ आपने अभी पूरा देखा कि नहीं देखा? आपने भगवान को देखा कि नहीं देखा? कितनी शांत मुद्रा है, चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट है, कैसा आनंद है, ध्यान में लीन और फिर भी चेहरे पे मुस्कान। कारण क्या है? आत्मा के ध्यान में इतना आनंद आ रहा है कि चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ गई है। हे भगवान, जैसा ध्यान आपने लगाया है, क्या मैं ऐसा ध्यान नहीं कर सकता? जैसा ध्यान आपने किया है, क्या ऐसा ध्यान करके मैं आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? क्या ऐसे विचार आए? बस वही बात है कि कृष्ण के राज्य में पांडव जब घूमने गए तो उन्होंने एक आश्चर्यकारी घटना देखी। एक तालाब बीच में से सूखा है और आसपास भरा है। जबकि यदि तालाब सूखेगा तो आसपास सूखेगा, बीच में भरा रहेगा, लेकिन वो तालाब उल्टा सूख रहा था, बीच में से सूख रहा था और आसपास में से भरा हुआ था। तो जब इसका उत्तर मांगा गया कि इसका उत्तर क्या है, ऐसा क्यों है ये, बोले ये पंचम काल के भक्तों का प्रतीक है। पंचम काल के जो भक्त होंगे धर्म तो खूब करेंगे, खूब करेंगे, मगर सारे आसपास से करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे, अंदर नहीं पहुंचेंगे। और वास्तव में ये देखने को मिल भी रहा है। आप सब कुछ देखते हो, मंदिर देखते हो, मंदिर का पत्थर देखते हो, मंदिर के चंवर देखते हो, मंदिर के चित्र देखते हो, मंदिर का भामंडल देखते हो, मंदिर में सब कुछ देखते हो। यदि ढंग से कोई नजर नहीं आता है तो वो भगवान नजर नहीं आते। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? और मंदिर किसके लिए है? भगवान के लिए। मंदिर क्यों जाते हो? भगवान के लिए। दिखते हैं भगवान? क्या भगवान में भगवान नजर आए तुम्हें? जब तक तुम्हें भगवान में भगवान नजर ना आए, प्रतिमा में प्रतिमावान नजर ना आए, ये प्रतिमा है, प्रतिमा से प्रतिमावान तक के दर्शन करने के लिए मंदिर गए थे। लेकिन हम केवल प्रतिमा तक सीमित रहते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और भजन भी गाते हैं तो भजन गाने में भी उद्देश्य हमारा केवल सुनाना रहता है, अपने आप को सुनाना नहीं। अरे बोलिए ना, किसको हो? सामने वाले को, है ना? मैंने एक बार और बताया था वो भजन, मुझे बड़ा वो बात मुझे बार बार याद आ जाती, मैं फिर बता देती हूँ कि एक महिला भजन सुना रही, शादी का सीज़न चल ही रहा, उस समय शादी का सीज़न था, बढ़िया गले में सोने का हार, हाथों में 4 मोटे मोटे कंगन और कान में और अंगूठी और लदी थी, पूरी पीली पीली हो रही थी और भजन गा रही है। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी,
भजन गाया? मैंने बाद में उससे पूछा, ये भजन आपने किसको सुनाया? ये भजन आपने किसको सुनाया? मुझे? मैंने छोड़ दिया। तुमने खुद को सुनाया? छोड़ो। यदि खुद को सुनाया तो छोड़ो। हम केवल सुनाने के लिए, दिखाने के लिए ही काम करते हैं। हम अंदर के केंद्र को छूना भूल गए हैं, जो हमारी आत्मा का केंद्र है, जहां हमारे भाव जाकर टिकने चाहिए, हम उसको भूल गए हैं। केवल हम बाहर ही टिके रहते हैं। यदि खाना अच्छा भी बना रहे हैं तो इसलिए नहीं बना रहे कि घर वालों को खिलाना है, नहीं, वो मेरी तारीफ करेंगे इसलिए खाना अच्छा बन रहा है। मतलब हर काम, चाहे तुम्हारे कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, ऐसे ही बनाना कि लोग देखते रह जाएं। तुम रहने को नहीं बना रही हो, दिखाने को बना रही हो। तुम एक एक चीज ऐसी लगाते कि लोग देखते रह जाएं। ऐसे सस्ते संवरते, खुद के लिए नहीं सस्ते संवरते, ऐसे सस्ते संवरते कि सामने वाला तारीफ किए बिना रहे ना। ऐसा है कि नहीं है? यानी सुबह से शाम तक की, रात तक की जिंदगी केवल दिखावे की जिंदगी रह गई है। चाहे बोलने का काम हो, चाहे देखने का काम हो, चाहे सुनने का हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में दिखाने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। और दिखाने का मतलब है कि हम अपने से दूर हैं, दूसरे के पास हैं। कोयल कूकती है जंगल में दूसरों के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, खुद के लिए। कभी ऐसा दिन आपका आया कि आप अकेले बैठे हो और खुद को सुनाने के लिए आपने भजन पढ़ा हो? कभी एकाध जिंदगी में एक भजन भी, एक बार भी ऐसा भजन पढ़ा आपने? एक बार भी ऐसी पूजा करी जो खुद को सुनाने के लिए करी हो? धर्म खुद से शुरू होता है। धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से शुरुआत होती है। यदि हम खुद के पास हैं तो हम धर्म में हैं, और हम अपने पास नहीं हैं तो अभी धर्म में नहीं है। ऐसा ऊपर का धर्म तो बहुत अनादिकाल से किया है, अंदर का धर्म नहीं किया है। 2400 भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है कि नहीं, बताइए। अरे बोलिए ना, आपने दर्शन ही नहीं किए होंगे ध्यान के, इसलिए आपको मुद्रा ही कहीं नहीं पता है, है? आपको तो बस मम्मी ने कहा था जाओ देव दर्शन करके आओ, तो हमने चावल चढ़ाए, भगवान को देखा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और वापिस। यही है ना, बचपन में यही सिखाया था। और तुम्हारे मम्मी पापा की भी गलती नहीं है, उनके मम्मी पापा ने भी उनको यही सिखाया था, और उनकी भी गलती नहीं है, उनके मम्मी पापा ने भी यही सिखाया था, इसलिए वो भी अपने बच्चों को यही, जा बेटा दर्शन करिया। अब दर्शन करने में भाव कैसे लगाना है ये नहीं सिखाया। इसलिए जब तक बच्चा थोड़ा तुम्हारे हाथ में रहता है तब तक तो दर्शन करने जाता है, क्योंकि वो ऊपर के दर्शन कर रहा है। तुम्हारे हाथ में है तो बात मान ली, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो के कंप्यूटर और मोबाइल में घुसता है सब छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट से दर्शन नहीं किए। अटैचमेंट अंदर से होता है। क्वालिटी, भगवान की क्वालिटी बताओ, क्या गुण है इनके अंदर में? यदि इनके गुणों का पता ही नहीं होगा तो तुम उसके प्रति श्रद्धावान बनोगे कैसे? जा दर्शन कर ले, जा दर्शन कर ले। अरे दर्शन कैसे करे? अरे भगवान जी में गुण क्या होते तुम ये तो बताओ। अरे तू अच्छे से पास हो जाएगा, अल्ले और दूर कर दिया उसको। अच्छे से पास हो गया तो थैंक यू भगवान जी, और नहीं हुए तो काहे के भगवान जी हमें पास ही नहीं करते हैं। ना तुमने उसे आत्मा समझाई, ना उसे परमात्मा समझाया, ना तुमने उसे ध्यान समझाया, ना भगवान के गुण बताए, फिर कहते हमारा बच्चा तो धर्म ही नहीं करता, वो तो मानते ही नहीं है मेरी बात। उसके अंदर आत्मा में धर्म घुसाना पड़ेगा, और आत्मा में एक बार घुस गया तो तुम कहोगे वो तो भी नहीं छोड़ेगा, तुम कहोगे वो तो भी छोड़ने वाला नहीं है। तो जैसे कोयल अपने लिए कूकती है, ऐसे आप भी नियम ले लो कि दिन में एक भजन हम अपने लिए पढ़ेंगे। बाहर की छूट, बीमारी की छूट, शादी में जाने की छूट, तब नहीं पढ़ना। बाकी आप घर में हो तो एक भजन, चलो सप्ताह में 3 बार पढ़ लेना। 4 दिन की छूट कर दी मैंने, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? सप्ताह आपके, ये मत बोलना कि मुझे गाना नहीं आता है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि भक्तांबर जी, चाहे हिंदी वाला हो
चाहे संस्कृत वाला हो, आप तर्ज में कोशिश करो कि बिल्कुल तर्ज में पढ़ा जाए, जैसे कि वो आप उसमें सुनते होंगे, रिकॉर्डिंग में सुनते होंगे। ऐसे आप उतना अच्छा नहीं गा सकते हमें पता है, लेकिन आप कुछ तो गा ही सकते हो ना, तो आप उसके साथ साथ तर्ज में भक्तांबर एक महीने तक, या अकेले बिना रिकॉर्डिंग के भी आपने तर्ज में भक्तांबर को पढ़ लिया, तो आपके गले में सरस्वती आ जाएगी और आप अच्छा गाने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रैक्टिकल पूरी श्रद्धा के साथ करना और भगवान को याद करके करना। भले आप हिंदी का भक्तांबर पढ़ो, ये नहीं कह रही कि संस्कृत का ही पढ़ो, नहीं आती है संस्कृत, आप हिंदी का पढ़ो और एक एक लाइन को गा गा के पढ़ो, पूरी ताल बजा के पढ़ो, देखो आपके गले में कैसे सुर निकल के आते हैं। कहीं सुर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भक्तांबर से निकल जाएगा। फिर आप गाओ भजन, रोज एक भजन रोज गाना। एक महीने तक भक्तांबर गा के पढ़ सकते हो क्या? पहले भक्तांबर कर लो, भजन का बाद में ले लेना, उसके बाद कर लेना। बोलिए, भक्तांबर एक महीने तक पढ़ सकते हो क्या? कौन कौन अपने गले में सरस्वती को विराजमान करना चाहता है? आप चाहते कि आपके गले में सरस्वती आए? उठाइए हाथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई साहब देखो, मैं एक आप चलिए आपकी एक एक समस्या का समाधान कर देती हूँ। अकेले नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। आपके घर में माता बहनें पढ़ती रहती हैं तो उन्हें आता है, ठीक है? तो आप रात में जब घर लौटें, तो सब जने इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे हो गए फिर बैठ जाएं, दो लाइन तुम बोलो, तो घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, भक्तांबर भी पढ़ा जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। अकेले नहीं पढ़ना, आप घर वालों को अपने साथ ले लें तो घर में एक वातावरण ही अलग हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके घर के बच्चे कहेंगे आज हमारे मम्मी पापा को क्या हो गया, कभी ये न्यूज़ देखते थे, कभी ये सीरियल देखते थे, आज तो भक्तांबर पढ़ा जा रहा है, आनंद आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? उठाइए हाथ। बाहर की छूट है, उठाइए उठाइए, आपको भी कहना पड़ेगा। हाँ, पीछे वाले बच्चे, हाँ बच्चों में भी संस्कार आएंगे, इस बहाने बच्चे भी भक्तांबर पढ़ना सीख जाएंगे। बहन जी आप नहीं, जिन जो महिलाएं सुबह मंदिर में पढ़ के आती हैं, तो वो ये ना कहें कि मैंने पढ़ लिया मैं नहीं पढ़ूंगी। यदि आप एक रसगुल्ला एक बार खा लें और कोई दोबारा खिलाना चाहे तो मना करेंगे क्या? अरे बोलिए ना, नहीं करेंगे। आपके आपके पास सोने का हार है और आपके पतिदेव कहेंगे कि एक और ले आऊं क्या, तो आप मना करेंगे क्या? नहीं। फिर भक्तांबर पढ़ने को क्यों मना कर रहे हो? एक बार और पढ़ लेना, वो तो भगवान का नाम है। भगवान का नाम तो सोने से ज्यादा काम आएगा तुम्हारे, तुम्हारा हार तुम्हारे काम आए ना आए, मगर भगवान का नाम तो काम आएगा ही आएगा। इसीलिए शाम के समय रात के समय एक महीने का नियम है, ज्यादा दिन का नहीं दे रही हूँ। आज कितनी तारीख है? हाँ, तो 11 से 11 तक का। यदि आपको ये अच्छा लगे तो बढ़ा लेना, नहीं लगे तो या तो मेरे पास आके छोड़ देना, या वहीं से हाथ जोड़ लेना, माताजी वहीं से कह देना, माताजी देखो हमारा नियम पूरा हो गया, ठीक है? और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी एक महीने के भक्तांबर का नियम तो जरूर ले लें। आनंद आया? कुछ अच्छा लगा? आने का फायदा हुआ? थोड़ा बहुत फायदा हुआ? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कोयल से चल रही है। एक और बड़ी अच्छी छोटी सी कविता है, एक स्त्री की प्रशंसा में किसी ने कहा, बोले आपके बाल, आपके जो बाल हैं वो नागिन जैसे। अच्छा, खुश हो गई। बोले आपकी नाक तोते जैसी, और खुश हो गई। बोले आपकी आँखें हिरनी जैसी, और खुश हो गई। बोले आपकी चाल मोरनी जैसी है, हिरण की चाल भी बोलते हैं, मृगनयनी भी बोलते हैं, और चाल को भी हिरणी जैसे बोलते हैं, वो और खुश हो गई। बोले आपकी आवाज़ कोयल जैसी, वो और खुश हो गई। बोले काश आप में थोड़ी सी इंसान की तरह इंसानियत होती। यानी हम सबकी प्रशंसा, चाहे त्रियंचों की है ना, बाल नागिन जैसे,
ना तोते जैसी, इंसान जैसी कोई बात नहीं है। शरीर की सारी चीजों की उपमा किससे दी है? त्रियंचों से। अरे तुम इंसान हो, इंसान तो बनो पहले, कि सारी चीज तुम त्रियंचों की लगा के और भाव भी। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही। तो कोयल हमें शिक्षा देती है। कभी भी कोयल को देखना तो आप उसको देख के मुझे भी ऐसे मीठा बोलना है, ऐसा सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? अरे बोलिए ना। यदि आपने सोचा तो क्या होगा? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, ये लाइन आपके जीवन में सार्थक हो जाएंगे। और यदि आपने नहीं सोचा तो लाइन केवल पढ़ने के काम आ रही है, ग्रहण करने के काम नहीं आ रही है। तो कोयल। अच्छा, अगला लेते हैं। कुत्ते में एक गुण और है, कल मैंने बताया था वफादारी। एक गुण और है, वो जागृत रहता है, वो बेहोश नहीं होता है। बेहोश का मतलब ऐसा नहीं सोता है कि तुम्हारा घर लुट जाए और वो सोता रहे, वो ऐसा नहीं सोता है। जरा सी आहट हुई तुरंत उठ जाता है। विद्यार्थी के लक्षणों में बताया भी है कि श्वान निद्रा वको ध्यानम, श्वान निद्रा, कि विद्यार्थी को कैसी निद्रा लेनी चाहिए? जैसे कुत्ते की होती है, कुत्ते की नींद होती है। तो जागृत अवस्था में सोना चाहिए, एकदम बेहोश अवस्था में। हालांकि निद्रा भी छह तरह की होती, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम सोचो कि नहीं हम जागृत सो जाए तो तुम नहीं है, सोने के बाद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे हाथ में नहीं हो। तुम किसके हाथ में हो? निद्रा के हाथ में। आ गई गहरी नींद तो आ गई, अब तुम क्या कर लोगे बताओ? अब घर लुट गया तो लुट गया, अब रो ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते कि हाय कैसी नींद आई। अपनी नींद पर पछतावा कर सकते हो, मगर नींद पर वश भी नहीं चलता है। लेकिन निद्रा विजयी, साधु को कहा है निद्रा विजयी, 4 बजे उठ जाओ और ऐसे सो, ऐसे मत सो जाना कि तुम्हारी कोई क्रिया रह जाए। निद्रा को वश में करो। निद्रा को वश में करने के लिए भी कहा, किस किस को? भूख को और निद्रा को, दो चीजों को वश में करना है। तो भोजन का तो एक टाइम का कर दिया, उसमें भी अंतराय, उसमें भी उपवास, तो वश में कर दिया। तो निद्रा कम खाने से नींद भी कम आती है। जिसको अपनी नींद को कम करना है तो उसको अपना खाना कम कर देना चाहिए। ये गारंटी है मेरी, मेरी गारंटी है, मेरा प्रैक्टिकल है कि जब 2 टाइम भोजन करते थे तो दिन में भी सो लेते थे और रात को 9 बजे सो जाते थे, और जब से दीक्षा ली और एक टाइम आहार हुआ है तब से मामला ठीक है, तब से कहीं कोई इस तरह का नहीं है। तो श्वान निद्रा वको ध्यानम, ध्यान कैसा होना चाहिए? वको ध्यानम, बगुले की तरह। कितनी एकाग्रता, एक टांग से खड़ा है, किसका ध्यान लगा रहा है? मछली का ध्यान लगा रहा, जैसे ही आती है झपट्टा मार लेता है। तुम उसकी हिंसा की तरफ ध्यान मत दो, उसके गुण की तरफ ध्यान दो। क्या गुण है उसके अंदर में? ध्यान की एकाग्रता। ऐसे तुम भी बिल्कुल ध्यान लगाओ, नमो अरिहंताड़म, अरिहंत बोलते ही मन अरिहंत भगवान में चला जाए। नमो सिद्धाड़म, सिद्ध बोलते ही मन सिद्ध भगवान में चला जाए। नमो आयरियाड़म बोलते आचार्य परमेष्ठी में चला जाए। नमो अवध्याड़म बोलते उपाध्याय परमेष्ठी में चला जाए। नमो लोय सभ्य श्रवणम बोलते साधुओं की तरफ ध्यान चला जाए। और ऐसी माला फेरो, ऐसा ध्यान आप बगुले से सीखो। किससे सीखो? बगुले से सीखो। सीखा कभी आपने बगुले से? नहीं सीखा है। ध्यान लगाता है तो ऐसा लगाओ कि जिस चीज पर ध्यान है वहीं अटके रहो, वहां से भागो मत। यदि अरिहंत भगवान का नाम बोला है तो अटक जाओ अरिहंत भगवान में, ध्यान करो उनका, लाओ उनकी तस्वीर अपने सामने, क्या है, क्या गुण है उनके, क्यों वो भगवान बने हैं, ध्यान लगा लो वहां पर। ये ध्यान करना किससे सीखो? बगुले से सीखो। हंस भी बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन उसकी चर्चा कल करूंगी क्योंकि टाइम हो गया है। अभी तो बहुत सारी दुनिया की चीज़ें हमें सिखाती हैं। शिक्षा केवल स्कूल में नहीं मिलती है, शिक्षा संसार का एक एक कण हमें दे रहा है। लेने वाला चाहिए, मात्र MBA और
वकालत पढ़ के ही डिग्री को जो मिलती है ना मात्र, वो ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बरस रहा है चारों तरफ, ज्ञान तो बरस रहा है चारों तरफ। तुम्हारा भाव लेने का होना चाहिए, ये लाइन गुण ग्रहण का भाव रहने, ये लाइन तुम्हारे जीवन में यदि हो, इसको दिन में 10 बार बोला करो। यदि ये लाइन तुम बार बार दोहराते रहोगे आत्मा से, तो ध्यान रखना बाहर की चीज़ों में गुण दिखने शुरू हो जाएंगे। यदि इस लाइन को आपने बार बार दोहराया, बार बार दोहराया, बार बार बोला, तो हर चीज़ में जब नजर जाएगी इसमें क्या गुण है, इसमें क्या गुण है, इसमें अपने आप ही मन उस तरफ चलने लगेगा। तुम शुरू तो करो चलना, फिर तो स्पीड पकड़ लेगा, अभी तुमने शुरू नहीं किया है चलना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही सुना दूं? अच्छा, तत्वों में 7 का, पेट में 8 का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पूड़ी के तलने का, बच्चों के घुटनों के बल चलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। क्या बात है, ये तो बड़ी जोर से बोले। चलिए, कहाँ कहाँ से आए हो? मिर्जापुर से। एक एक करके बताऊंगी ना, पूर्व वाले कितने हैं? जयपुर वाला है कोई? हाँ, और पूर्व वाले? उदयपुर वाले, ठीक है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में मिर्जापुर, जयपुर, उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। सूरत प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। सीकर नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। नावा, अच्छा, मिठाई में मावा का, मिठाई में मावा का, नहीं करने में दावा का, और आने वालों में नावा का। फुलेरा होने में सवेरा का, गाड़ियों में तवेरा का, और आने वालों में फुलेरा का। हैदराबाद नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बांसवाड़ा जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। जिजोट, अच्छा, दालों में मोठ का, चेहरे पर ओठ का, और आने वालों में जिजोट का। किशनगढ़ कुशलगढ़ नहीं करने में गड़बड़ का, और वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। मारोट सोने में खोट का, नेता में बोट का, और आने वालों में मारोट का। पालमपुर, अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में पालमपुर और नरसिंहपुर का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? अभी 2 मिनट आपका सम्मान होगा, आप लोग बैठे। सम्मान बोले 24 भगवान की।